बन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो जी सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ अपने घर पे वापस माइके गई थी दो तीन दिन के लिए तो आ गए हैं वापस और आप सभी को भी मेरे से ज़्यादा इंतजार था मेरे घर आने का क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी हमें ना आपके घर के ही वीडियोज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे से ज़्यादा आप लोग मेरे घर को मिस करते हैं जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो, तो चलिए जी आ गए हैं घर पे अब आपको रेगुलर मेरी घर की वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी सुबह का टाइम था और ये टाइम होगा साढ़े पाँच बजे का और आज ना साढ़े चार बजे से ही मेरी नींद खुल गई थी मैं बार बार फ़ोन देख रही थी क्योंकि मुझे पता था ना कि मुझे आज बहुत सारे काम भी करने हैं और इतने दिन से तीन चार दिन मायके में थी तो वहाँ पर इतना काम कुछ था नहीं रेस्ट ही था तो घर पर आके ना फिर अपने आप ही टाइम से नींद खुल गई थी मेरी तो चलिए जी अब अपना मॉर्निंग का रूटीन कर लेते हैं स्टार्ट सुबह जल्दी उठ गई थी मैं साढ़े चार बजे आँख तो खुल गई थी पर उठी नहीं थी मैं क्योंकि सुबह के टाइम ना हमारे यहाँ पर अच्छी खासी ठंड होने लगी है तो ब्लैंकेट छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं करता है तो चलिए अब उठी और उठते ही सबसे अब पहले अपना मॉर्निंग का जो भी रूटीन होता है फ्रेश वग़ैरह होना थोड़ा देर एक्सरसाइज करना या फिर वॉक कर लेना तो आज मैं बालकनी में गई मुझे ना ठंड लगने लगी थी बालकनी में खड़े होके क्योंकि ना इस टाइम पे कोहरा भी रहता है और बहुत सारा वो होता है ना ओस गिरी रहती है तो ठंडा काफी लग रहा था बाहर फिर मैं आ गई थी अंदर अब यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों के टिफिन की तैयारी दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे और ये वीडियो कल का है यानी कि बुधवार के दिन का देहरादून पहुँचने के बाद दो तीन दिन मैंने कोई वीडियो भी सूट नहीं करा है और आज मुझे काम भी ढेर सारे थे तो फिर दो तीन दिन मेरे पास वीडियो थी मैंने कोई वीडियो सूट नहीं करी ये वीडियो कल का है बुधवार सुबह का बच्चों को स्कूल जाना था तो बस बच्चों के लिए यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ ड्राई आलू वैसे तो जीरा आलू बनाने का सोच रही थी पर जीरा ख़त्म था तो मैंने इसमें थोड़ा सा मेथी दाना और प्याज डाल दिया था और एक छोटा सा टमाटर छोटा सा प्याज ये सारी चीजें डालने के बाद क्योंकि तड़के में ना कुछ ना कुछ होना चाहिए और आ, मेथी का तड़का भी अच्छा लगता है सर्दियों के टाइम पे तो मेथी का तड़का लगाया मैंने प्याज टमाटर डाला बेसिक मसाले डाले अब यहाँ पे ये आलू मैंने कल रात को ही बॉईल कर रखे थे तो आ, कल रात को मैंने आलू की सब्जी बनाई थी आलू और सोयाबीन की सब्जी बनाई थी मैंने तो मैंने आलू थोड़ा सा बचा लिए थे क्योंकि मुझे पता था सुबह बच्चों को टिफ़िन देना है तो कभी कभी मैं इस तरीके से रात को तैयारी जैसे कर लेती हूँ ना आलू वगैरह बचा देती हूँ तो ये आलू ना थोड़ा सा कम गले थे तो मैं इनको स्टीम में थोड़ा देर पकने दूंगी और तब तक यहाँ पे हम लगा वालेगे आटा आलू में मैंने पानी वगैरह ऐड नहीं करा है क्योंकि मुझे सूखा आलू बनाना है और स्कूल के लिए खास करके सूखा आलू अच्छा होता है आटा यहाँ पे मैं लगा रही थी और इसमें मैंने हल्का सा अजवाइन और नमक डाल रखा था क्योंकि बच्चों को मैं रोटी बहुत कम देती हूँ पराठा वग़ैरह सेक के दे देती हूँ उनको क्योंकि क्या होता है ना दिन में तक खाना एकदम ठंडा हो जाता है तो अगर आप पराठा देते हैं तो पराठा फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है रोटियाँ बिल्कुल सूख जाती हैं और बच्चों को रोटी वगैरह ले जाना स्कूल में ज़्यादा पसंद भी नहीं होता पराठे दे दो बच्चों को तो बच्चे खुशी से खा लेते हैं तो अब जैसे सर्दी आ गई हैं तो पराठे ना ठीक रहते हैं जैसा आपने ट्रायंगल रेक्टेंगल किसी भी शेप में पराठा बना के दे दिया तो इनके अंदर भी ना लेयर बन जाती है। आप जैसे घी लगा के बनाते हैं ना तो लेयर बन जाती है, तो वो घी रहता है अंदर से तो अगर आप इनको शाम तक भी खाएंगे ना तो ये सॉफ्ट बने रहते हैं तो इसीलिए पराठे वगैरह ज़्यादा देती हूँ छोटे छोटे से पराठे में बनाऊँगी बच्चों के टिफिन के लिए बस चार पराठे बनाऊँगी बच्चे दो दो लेके जाते हैं और रोटी खा के कर हैं वो जैसे कभी आलू का पराठा बना दिया तो वो नाश्ते में खा के चले जाते हैं अभी मैं उनको टोस्ट और दूध दे दूँगी ज़्यादातर नाश्ता बच्चों का वही होता है दूध पी के चले जाते हैं टोस्ट खा लेते हैं एक एक दो दो और वही वो लोग खा के जाते हैं रोटियाँ वगैरह बहुत कम खाते हैं सब्जी बनके तैयार हो गई है दोनों बच्चों को उठा दिया है मैंने बच्चे अपना रेडी हो लेते हैं खुद से और आज से हमारे यहाँ पे बच्चों की विंटर वाली ड्रेस भी स्टार्ट हो गई है क्योंकि अब थोड़ा ठंडा होने लगा है ना दिन में तो फिर भी इतना नहीं लगता पर जब सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पर ज़्यादा ठंडा लगता है और बच्चों को स्कूटी से जाना होता है तो बहुत तेज़ की हवा लगती है तो बच्चों की यूनिफॉर्म वग़ैरह कल हस्बैंड जी आए जैसे जिस दिन हम पहुँचे थे देहरादून तो आते ही शाम को वो यूनिफॉर्म लेने चले गए थे और यूनिफॉर्म लेके आए तो आज बच्चे अपने ड्रेस पहन के जाएंगे स्वेटर वगैरह ब्लेजर भी है वैसे पर ब्लेज़र अभी नहीं पहनेंगे अभी खाली स्वेटर पहन के जाएंगे क्योंकि अभी इतनी भी ठंड नहीं हो रही है कि ब्लेज़र पहन के जाना पड़े तो चलिए यहाँ पे मैंने बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर दी है अभी मुझे उनको रेडी भी करना है मतलब बाल बनाने हैं बिट्टू के बाल बनाने हैं बाकी तो वो पूरा रेडी हो जाती है टाइम से रेडी हो जाते हैं बच्चे दस मिनट में अपना पूरा ड्रेस वगैरह पहन लेते हैं फिर वो बस मेरा वेट करती है बाल बनाने के लिए क्योंकि वो खुद से बाल नहीं बना पाती एक चोटी तो फिर भी कर लेती है कभी कभार पर दो चोटी करनी होती है गूंथ के ना तो वो बच्चे खुद से नहीं कर पाते तो यहाँ पे जल्दी से मैं उसके बाल बना लूँगी और मैंने ना ये कंगी मंगाई थी जो बड़े वाली होती है ना ये और ये बाल बनाने के लिए इतनी अच्छी है ना इसमें आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा इसमें इसमें ना बाल खिसते नहीं हैं बिल्कुल भी तो बच्चे जैसे परेशान कर देते हैं ना सुबह के टाइम बाल बनाने के लिए तो वो कंगी बहुत अच्छी है मैं पहले उससे बालों के गांठे सारे निकाल देती हूँ उसके बाद पतली वाली कंगी से फिर बाल बनाना ठीक रहता है ना नहीं तो बाल सही से सेट नहीं होते पतली वाली कंगी मानना जरूरी होता है तो चलिए यहाँ पे बिट्टू को रेडी कर दिया है और प्रेस के लिए मैंने पर्दे दे रखे थे आपको उधर दिख रहे होंगे बच्चों की स्टडी टेबल के ऊपर दुपट्टे पे लपेटे हुए तो, तो उनको भी मैं कल लेके आई थी क्योंकि मैं तो चली गई थी अचानक से दिल्ली तो ये पर्दे बिना चार पांच दिन से प्रेस वाली आंटी के पास ही थे कल मैं इनको लेके आई अभी मैंने इनको लगाया नहीं है इनको लगा आऊँगी आज या फिर कल देखती हूँ क्योंकि जो पर्दे मैंने लगा रखे हैं ना अभी सोच हूँ कुछ दिन उनको रहने दूँ क्योंकि गंदे तो हुए नहीं हैं अभी वो तो कुछ दिन रहने देती हूँ फिर ना बार बार डबल डबल मेहनत हो जाती है नहीं तो मैं उनको निकालूँगी बिना धोए हुए उनको संभालूंगी नहीं तो कुछ दिन थोड़ा सा गंदे हो जाएंगे उसके बाद मैं उनको चेंज कर दूँगी दोनों बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और अब यहाँ पे बारी आती है किचन क्लीनिंग की तो जैसे ही मेरे बच्चे स्कूल गए ना उसके बाद मैंने रोटी बनाई थी हस्बैंड जी के लिए नाश्ते के लिए और अपने लिए सब्जी तो बनी हुई थी तो आ, मैंने यहाँ पे रोटियाँ बनाई थी हमारे लिए और रात की भी सब्ज़ी बची हुई थी और चटनी तो मेरे घर में आजकल मैं बनाती ही हूँ हमेशा क्योंकि हस्बैंड जी हमेशा बोल देते हैं चटनी के लिए तो मैं बना के रखती हूँ जब कभी नहीं होती वो बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं चटनी ज़्यादातर बना के रखती हूँ वो तीनों टाइम चटनी खा लेते हैं मतलब अगर छुट्टी के दिन दिन में घर में होते हैं और सुबह रात को भी उनको चटनी अच्छी लगती है तो खा लेते हैं वो चटनी थी रात की भी सब्जी थी आलू की सब्जी भी थी और आलू की सब्जी तो हस्बैंड जी ने नहीं खाई क्योंकि वो आलू वगैरह बिल्कुल भी नहीं पसंद करते तो आलू तो मैं खाऊंगी सूखा आलू मुझे फिर भी अच्छा लगता है उनको नहीं पसंद है तो बस किचन समेट लिया है मैंने मैं बच्चों के जाते ही किचन को साफ़ कर लेती हूँ अपना क्योंकि फिर वो काम ना नहीं तो दिन भर के लिए फैला ही रह जाता है तो जिस काम में आपने हाथ लगा लिया उसको तुरंत के तुरंत पूरा समेट लेना चाहिए ताकि बार बार आपको उस काम पर हाथ ना लगाना पड़े अभी मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी थी और ये पर्दे हैं जो मेरे मेन गेट है ना ये यहाँ के पर्दे हैं ये इनको भी मुझे ये लगाना था क्योंकि और कहीं पर्दे हो ना हो मेन डोर पे आपका पर्दा जरूर होना चाहिए अच्छा नहीं लगता ना जैसे हमेशा नहीं तो आपको डोर बंद करके रखना पड़ता है अगर पर्दा लगा होता है तो आपको हमेशा डोर बंद करके रखने की ज़रूरत नहीं होती पर्दा लगा लो तो ठीक रहता है जहाँ पे मैं रहती हूँ ना इसमें क्या है आपको बाहर से सीधा फ्रंट एकदम फ्रंट में सामने मेरा किचन पड़ता है तो जो भी बाहर से जाएगा सीधा किचन में जब मैं काम करती हूँ तो नज़र पड़ती है तो ऐसे ना अच्छा भी नहीं लगता अगर पर्दा बंद हो तो ठीक रहता है तो मैंने सबसे पहले आज यही काम करा पहले मैंने अपने मेन डोर पर जो भी लड़ी वगैरह लगा रखी थी लड़ी मैंने सुबह सुबह हटा दी थी उसके बाद मैंने अपना पर्दा लगा लिया था कल मैंने हस्बैंड जी को बोला इसको लगाने के लिए तो वो भी ऑफिस लेट तो ही आए थे कल देखूंगी तो मैंने इनको लगा लिया था अभी और अब यहाँ पे मैं करूँगी घर की साफ़ सफ़ाई शुरू क्योंकि मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे आज काम थोड़ा सा ज़्यादा है ज़्यादा काम इसी लिए क्योंकि मैंने ये सारे काम दिवाली के लिए छोड़ रखे थे कि दिवाली के दिन मैं ये करूँगी वो करूँगी पर दिवाली पर यहाँ पर नहीं थी तो ये सारे काम मेरे रह गए थे जैसे मैंने आपको बोला था ना दिवाली पे मैं ये बेडशीट चेंज करूँगी ये बेड मैंने धनतेरस के दिन बिछाई थी जो मैंने न्यू ले रखी थी और बहुत सारे लोग ना इस बेड का लिंक मांग रहे थे तो लिंक मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं इसको आज वॉश करूँगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसका कैसे है ये बेड शीट क्योंकि मुझे ना थोड़ा डाउट हो रहा था कहीं ये धोने के बाद बिल्कुल पतली सी ना हो जाए तो आज मैं इसको धोऊंगी उस दिन मैंने बिना धोए हुए इसको बिछा दिया था वैसे मैं बिना धोए हुए ना कभी नहीं बिछाती पर उस दिन धनतेरस था तो ये आ भी गई थी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी मैंने कहा चलो इसी को बिछा देते हैं फिर दिवाली के दिन मुझे इसको हटाना था पर फिर मैंने नहीं हटा पाई क्योंकि मैं यहां पे थी नहीं तो जब आपको लिंक चाहिए ना मैं एक बार इसको आज धो लेती हूँ उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी कि ये बेडशीट कैसी है अब आपने मेरे कहने पे मंगा लिया और फिर आपको धोने के बाद अच्छी ना लगे फिर आप भी बोलेंगे ना कि दीदी ने कैसी बेडशीट का लिंक दे दिया तो एक बार मैं इसको धो लेती हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको मंगाएंगे या फिर ना मंगाएं क्योंकि कई कपड़ा ऐसा होता है ना जो धोने के बाद बिल्कुल साड़ी की तरफ पतला हो जाता है तो फिर उसमें पैस से वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो इसलिए मैंने किसी को इसका लिंक नहीं दिया था अभी तक बाकी मैं देखती हूँ आज धोने के बाद अभी चलिए ये बेड मैंने अपना सेट कर लिया है बेड शीट चेंज कर ली है मैंने तो ये सारे काम ना मुझे दिवाली के लिए करने थे अपने घर को दोबारा से रीऑर्गेनाइज अच्छे से पूरे घर को सेट करना था ऑर्गेनाइज करना था तो आज मुझे अपने सोफे के कवर वगैरह भी हटाने हैं मैंने पुराने से बिछा रखे थे तो जो मैं डेली ज़्यादातर बिछाती हूँ ना उनको ही मैं बिछाऊंगी और कटन्स तो अभी नहीं हटाऊंगी इनको रहने देते हैं एक बार सोच रही थी कि हटा दूँ फिर मेरे को लग रहा था यार हटा देते हैं फिर मन कर रहा था नहीं कुछ दिन रहने देते हैं क्योंकि मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ेगी इनको धोने में भी ना बहुत मेहनत लगती है चाहे आप मशीन में भी धोते हैं मशीन में भी धोने के लिए आपको आ, थोड़ा सा ध्यान से इनको धोना पड़ता है नहीं तो आ, कटन्स की जो चूड़ी होती है ना ऊपर की वो निकल जाती है तो अभी इनको छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए यहाँ पे मैंने अपने बेड को सेट कर लिया है अब जैसे विंटर्स आ गए हैं तो तो आ, हमने तो ब्लैंकेट निकाल लिए थे जैसे ही मैं दिल्ली से यहाँ आई क्योंकि यहाँ पे ना फिर भी थोड़ा बहुत सुबह शाम की ठंड लग रही है दिन में इतनी ठंड नहीं है पर रात को जैसे सो जाते हैं ना तो ठंडा लगता है तो मैंने ब्लैंकेट निकाल लिए थे इनको मैंने उस दिन रात को ही थोड़ा देर बाहर रख दिया था वैसे तो मैं कपूर वगैरह डाल के रखती हूँ बेड में पर फिर भी ना इतने दिन से बंद रखी हुई चीज़ चीज़ों को एकदम से ओढ़ने का मन नहीं करता तो उनमें थोड़ा सा हवा लग जाती है तो फिर ओढ़ने में अच्छा लगता है तो मैंने इनमें धूप लगा दी थी मैंने अभी इनमें वो नहीं लगाई कवर क्योंकि जब कवर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है ना मैं तब भी लगाती हूँ अभी अगर मैं इनमें गर्म और एक कवर भी लगा दूंगी तो फिर इनको ओढ़ने में गर्मी लगने लगेगी सोफ़ा के पुराने जो मैंने कवर लगा रखे थे उनको भी मैंने हटा दिया है आ, मैंने ये वाले कवर सोच रही थी मैं दिवाली के दिन लगाऊंगी क्योंकि ये कवर ना मुझे अपने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इनको लगाने से ना घर में एकदम से चमक आती है बहुत प्यारा कलर है इनका और लगाने के बाद काफ़ी अच्छे भी लगते हैं तो बस इनको मैं लगा दूँगी मैं सारी चीज़ों को धो के रख के गई थी मुझे सारी चीज़ें मतलब जैसे ही मैं हटाती हूँ ना वैसे ही धो भी देती हूँ चीज़ों को तो उनको अच्छे से तय करके संभाल दो जब आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं और ये सोफा कवर है जो मैंने धो के रखे हुए थे और धोने के बाद ना इनकी चमक और भी बढ़ जाती है सोफा कवर की और ये सोफा कवर और कुसन कुशन कवर जो है ना इनका मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है वो ब्लू कलर के हैं और वो महरून है तो बहुत प्यारा लगता है बिछाने के बाद इनका कॉम्बिनेशन तो चलिए ये मेरा बेडरूम हो गया है पूरा सेट आ, मेरे हिसाब से जैसे मुझे अपने रूम को सेट करना था अब लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू आज मुझे काम करने में लेट भी काफ़ी हो गया था क्योंकि हस्बैंड जी नौ बजे गए उसके बाद ही मैंने साफ़ सफ़ाई शुरू करी थी उससे पहले सफाई वगैरह कम हो पाती है मेरी बस जो जो चीज़ें समेट की होती है, उनको मैं समेटती जाती हूँ या तो मैं उनके उठने से पहले झाड़ू लगा लूँ सुबह सुबह मैंने बस किचन में झाड़ू लगाई थी आज क्योंकि एक झाड़ू मैं सुबह जरूर लगाती हूँ उठने के बाद किचन में झाड़ू लगा लो ना उसके बाद ही मैं कुकिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ एक झाड़ू लगा लेती हूँ और एक गीला कपड़ा काउंटर टॉप पर गैस स्टोव पर मार लेती हूँ उसके बाद ही मेरी कुकिंग स्टार्ट होती है तो और घर में मैंने कहीं भी झाड़ू नहीं लगाया था तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी और ये जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था इसका सीसा ना एकदम निशान आ रखे थे इसमें मतलब फेस देख रहे थे ना तो फेस भी अच्छे से नहीं दिख रहा था क्योंकि बच्चे ना बार बार इसमें कभी जैसे पाउडर निकाला क्रीम वगैरह निकाली तो बच्चे शीशे को ऐसे ही टच कर देते हैं तो वो बहुत गंदा सा लग रहा था तो मैंने सोचा चलिए इसकी डस्टिंग भी कर देते हैं डस्टिंग के लिए मैंने आज यहाँ पे कॉलिन का यूज़ नहीं करा बस एक कपड़ा लिया इसको भिगा लिया पानी से और बस कर ली डस्टिंग बहुत अच्छे से साफ हो जाती है ऐसी भी चीज़ें क्योंकि मेरा कॉलिन खत्म था मैंने कहा चलो आज ऐसे ही काम चला लेते हैं जो जो चीज़ें मेन मेन से थी जहाँ मुझे लग रहा था डस्टिंग करने की ज़रूरत है उसको मैंने डस्टिंग कर दिया है बस पूरे घर को साफ सुथरा करके अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है अब बारी आती है पोछा लगाने की तो पोछा लगाने के लिए क्या जब भी पोछा लगाती हूँ मैं तो आ, मैं कोशिश करती हूँ उससे पहले मैं सारी चीज़ों को उनकी जगह पर रख दूँ नहीं तो अगर आप झाड़ू पोछा करते हैं चीज़ें आती रहती है झाड़ू लगाने में तो चीज़ें निकलती रहती हैं तो पोछा लगाने में अगर चीज़ें आती है ना तो काम करने में ऐसे मज़ा नहीं आता तो पूरे घर को पहले उसके मतलब जो चीज़ें जहाँ रखनी है वैसे सेट कर लो फिर आप आराम से पूरे घर में पोछा लगाओ आज मैं मॉप से पोछा नहीं लगा रही हूँ आज मैं बस वाइपर पर पोछा लगाया है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आप कैसे लगाते हो ऐसे आपका पोछा निकलता नहीं है तो बस मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ सिंपल सा और उसको डबल कर लिया और बस लगा लिया पूरे घर में पोछा मेरा पोछा बिल्कुल खिसकता नहीं है पूरे घर में पोछा भी लग चुका है और मैंने अपना ये कालीन जो है वो हटाया नहीं है आज क्योंकि इसको मैंने धनतेरस के दिन ही बिछाया था धुला हुआ इसके नीचे कोई धूल वगैरह नहीं है नहीं था वो गंदा बिल्कुल भी तो उसको डेली मैं नहीं हटा पाती पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि बहुत भारी होता है वो और बहुत ज़्यादा थकान भी होती है फिर काम करने से ऐसे और अगर ज़रूरत होती है तब तो खैर डेली भी उठाना पड़ता ज़रूरत नहीं थी तो ऐसे ही पूरे घर में झाड़ू पोछा करा साथ में मशीन भी मैं लगा देती हूँ ताकि मेरे सारे साथ साथ में होते रहें और आज मुझे अपनी लड़िया भी हटानी है तो देखिए लड़ी मैंने बालकनी में लगा रखी थी तो बहुत दिनों से लड़िया भी जल रही है सोच रही हूँ आज हटा दो क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में ना लोगों ने सब ने हटा दी हैं लड़िया एक आध दो घर ही होंगे जिनमें लगी हैं तो मैं भी हटा दूंगी अब इनको तो चलिए सारा काम निपटाने के बाद बारी आती है दिया बाती की पूरे घर को मैंने अपना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है यही था मेरा मॉर्निंग का हाउस क्लीनिंग ऑर्गेनाइज होम इसी तरीके से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज और अच्छे से रखती हूँ सेट करके फिलहाल चलिए इसी के साथ ही आज के वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना मैं आप सब से मिलूंगी अपनी अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें खुश रहिए बाय बाय एंड टेक केयर